गौरव जी पहचान के मोहताज नहीं है, हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोग एक तरह से मेरे उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें देखते हैं। भूगोल पढ़ाते हुए बहुत ही मेहनत करते हैं गौरव जी, और मेरा पूरा नियंत्रण और इन पर प्रभाव रहता है कि जिस तरह से मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई आपको उसी तरह से गौरव जी भी पढ़ाएं, और काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं, मैंने देखा है। मैंने आपको बताया था कि UPPCS के लिए मैं दो बैच लॉन्च किया हूँ, UPPCS प्रीलिम बैच, साथ में UPPCS प्री कम मेंस बैच। दोनों में प्रवेश के लिए आपको विकल्प दिए गए हैं, आप दोनों बैच में एडमिशन ले सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 24 जनवरी से हमारी वेबसाइट पर कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, प्रीलिम बैच के भी और प्री कम मेंस बैच के भी। दोनों में एडमिशन की प्रक्रिया नीचे चल रही है, यानी प्रीलिम का व्हाट्सएप नंबर अलग है, मुख्य परीक्षा का व्हाट्सएप नंबर अलग है। हमारे साथ खड़े हैं गौरव जी, थोड़ा सा परिचय दिया। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रीलिम का पूरा हिस्सा, यानी चाहे आप प्रीलिम बैच में हो या फिर आप प्री कम मेंस बैच में हो, उसमें प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सिलेबस भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल का गौरव जी द्वारा तैयार कराया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गौरव जी का जिस तरह से UPPCS या यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं पर नियंत्रण है, क्योंकि ये IAS से पूरी तरह से अलग होता है। पूरी तरह से यहाँ पे भूगोल आपसे तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल पूछा जाता है, और उस पर गौरव निरंजन पूरी तरह से खड़े उतरते हैं, पूरी तरह से ये समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 में किस तरह के सवाल पूछेगा। तो काफ़ी हद तक गौरव जी का प्रारंभिक परीक्षा पर नियंत्रण है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि गौरव जी द्वारा पढ़ाए गए और उपलब्ध कराए गए नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आपके आएंगे। और जहां तक मेरा अनुमान है, अगर भूगोल से 22 सवाल पूछे जाते हैं तो उनमें से 18 प्लस प्रश्न गौरव जी के नोट्स और वीडियो क्लासेस से आपको मिलने चाहिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी हैं, और गौरव जी को भी कि आपके साथ इतनी मेहनत करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः सरल तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन। हम लोग जो एक बड़ी भर्ती परीक्षा है जिसमें आपको एक अच्छे प्रशासनिक पद की तलाश रहती है, हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से PCS प्रीलिम्स 2019 सॉरी PCS परीक्षा 2020 की। और इस परीक्षा के लिए हमारे संस्थान में प्री कम मेंस बैच प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए आपको डेमो दिए जा रहे हैं। यदि आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक अच्छा पद लेना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, प्रशासनिक पद पर तैनात होना चाहते हैं, तो यह हमारा नंबर है 9918000454। इस नंबर पर आपको केवल PCS एंट्री लिखकर सेंड कर देना है, एडमिशन की पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी और आपको बैच में एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा, और भूगोल में अगर आपने PCS के लिए पिछला वीडियो हमारा देखा होगा तो हमने उसमें आपको खनिज पढ़ाया था, और खनिज में मैंने कोयला, उसी खनिज कोयला के आगे हम बढ़ जाते हैं और एक नया टॉपिक देखते हैं आज, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ठीक ना। क्वेश्चन बनते हैं यहां से, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अंत में मैं PCS प्रारंभिक परीक्षा, कुछ मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी हैं प्रीलिम्स के हिसाब से, उनको मैं आपको सॉल्व करूंगा, ठीक ना। तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। अगर हम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो आपको एक बात याद रखना है कि पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। जहां पर पेट्रोलियम पाया जाएगा वहां पर प्राकृतिक गैस पाए जाने के चांस, वहां पर प्राकृतिक गैस पाए जाने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक ना। तो अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम जो है वो औषधीय चट्टानों से प्राप्त होता है। हमने ये बात आपको पहले ही पढ़ाई है कि जो भी ईंधन खनिज होंगे वह सभी ईंधन खनिज औषधीय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वो औषधीय चट्टान से इनकी क्या होती है, औषधीय चट्टान, ठीक ना, पेट्रोलियम की। दूसरी बात यह है कि जो पेट्रोलियम है यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम क्या है, तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, और इस हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में लगभग 70% तेल पाया जाएगा, और तेल के साथ साथ 30% इसमें क्या पाई जाती है, प्राकृतिक गैस। तो इसलिए हमने आपको पहले ही बताया है कि जहां जहां पर पेट्रोलियम पाए जाने की संभावना है
वहां पर निश्चित रूप से प्राकृतिक गैस भी पाई जाएगी। पेट्रोलियम के साथ साथ क्या पाई जाएगी, तो पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, ठीक ना। हाइड्रोकार्बन का यौगिक है या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, प्रश्न पूछा जाता है। अगर अब हम बात करते हैं भारत में पेट्रोलियम के क्षेत्रों की, भारत में पेट्रोलियम के क्षेत्र, भारत में कौन कौन से पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं, तो मुख्य रूप से भारत में तीन पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं, एक दो और तीन। मुख्य रूप से भारत में तीन पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं। पहला है असम तेल क्षेत्र, असम तेल क्षेत्र, पहला कौन सा हो गया, तो पहला असम तेल क्षेत्र, दूसरा गुजरात, गुजरात तेल क्षेत्र, गुजरात, और उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, ठीक ना, महाराष्ट्र का क्या हो गया, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, या इसी को मुंबई तट के नाम से भी जानेंगे। अगर हम भारत का मानचित्र बनाकर देखें कि यह कहां पर पाए जाएंगे, तो देख लीजिएगा, ये मान लीजिएगा भारत का मानचित्र है, और भारत के मानचित्र में हम सबसे पहले पूरा भारत का मानचित्र बना लेते हैं, ठीक ना। तो ये पहला तेल क्षेत्र रहा, ए असम का क्षेत्र, ये पहला तेल क्षेत्र हो गया। दूसरा जो है गुजरात, गुजरात में दो खाड़ियां, यहां पर ए कच्छ की खाड़ी और यहां पर खंभात की, तो ये वाला क्षेत्र, ठीक ना, और मुंबई तट ए वाला। तो इसको हम एक नंबर दे देंगे, यहां पर हम दूसरा नंबर दे देंगे, और यहां पर हम क्या नाम दे देंगे, यहां पर हम तीसरा नंबर, ठीक ना। तो भारत में पेट्रोलियम के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, एक असम का क्षेत्र है, दूसरा गुजरात का क्षेत्र है, और तीसरा है महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, या इसी को हम मुंबई का तटीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, मुंबई तट के नाम से भी जान लीजिएगा, इसी को नाम दे दिया गया मुंबई तट, ठीक ना। तो तीन है, इन तीनों को आपको याद रखना है, इन्हीं को हम एक एक से धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक ना। अगर हम बात करें असम तेल क्षेत्र की, असम तेल क्षेत्र, अगर हम असम तेल क्षेत्र की बात करें, तो असम राज्य में, अगर आपने पिछला एक वीडियो बनाया था मैंने खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, भारत की नदियां, अगर हम नदियों में देखेंगे तो हमने ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाई है, तो असम क्षेत्र से या असम के क्षेत्र से, असम राज्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र, तो इसी को हम एक नाम दे देते हैं ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र। हमने आपको ये पढ़ा चुके हैं हम कि औषधीय चट्टाने अधिकांश मात्रा में नदी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसलिए नदी क्षेत्रों से ही पेट्रोल, कोयला या प्राकृतिक गैस की हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। असम में सुरमा, सुरमा नदी घाटी क्षेत्र से, सुरमा घाटी से, सुरमा घाटी असम में है, सुरमा घाटी से बिहांग घाटी तक के क्षेत्र में, बिहांग घाटी, ठीक ना। अगर आप मानचित्र में बनाना चाहें तो ऐसा बनेगा, असम में सुरमा घाटी है और यहां पर अरुणाचल प्रदेश में बिहांग घाटी, इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरा क्षेत्र है असम में, सुरमा घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक के क्षेत्र में क्या पाया जाता है, प्राकृतिक तेल की प्राप्ति होती है, और यहां पर प्राकृतिक तेल की प्राप्ति होने के कारण ही असम के माकूम क्षेत्र में, कहां पर, असम के माकूम में, असम के माकूम क्षेत्र में, असम के माकूम क्षेत्र में भारत का पहला, भारत का पहला तेल का कुआं, भारत का पहला तेल का कुआं, भारत का पहला तेल का कुआं खोदा गया था असम के माकूम क्षेत्र में। आपसे पूछा जाएगा कब खोदा गया था, 1867 ईस्वी में,
कब खोदा गया था? तो 1867 ईस्वी में असम के माकुम क्षेत्र में पहला तेल का कुआं खोदा गया, इस बात को आपको याद रखनी है। दूसरी बात, असम में ही डिगबोई, असम के ही डिगबोई में 1901, ठीक ना, पहले इसको समझ लीजिए, डिगबोई में भारत का दूसरा तेल का कुआं खोदा गया था, दूसरा तेल का कुआं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले तेल के कुएं खोदे गए, तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले तेल के कुएं खोदे गए? असम में, पहला 1869 में और दूसरा 1889 में, यहीं पर डिगबोई में 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन भारतीय तेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहां पर पहली तेल रिफाइनरी लगाई गई। जो हमें प्राकृतिक तेल प्राप्त होता है उसको हम सीधे ही अपने वाहनों में नहीं डाल सकते, उसको हम रिफाइन कराते हैं, और रिफाइन कराने के लिए रिफाइनरी का होना आवश्यक है। तो 1901 में डिगबोई में भारत की पहली तेल रिफाइनरी लगाई गई, जिस कंपनी के द्वारा लगाई गई, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत में यहां पर पहली तेल रिफाइनरी लगाई गई, ठीक ना। इतना हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक आगे बढ़ते हैं, अगर आगे बढ़े, असम में इसके अलावा, डिगबोई के अलावा एक जगह है नहर कटिया, डिगबोई के अलावा एक जगह है नहर कटिया, एक जगह है नुमालीगढ़। ये पूछे जाते हैं नुमालीगढ़ कहां पर है, नहर कटिया हो गया, नहर कटिया के बाद नुमालीगढ़ हो गया, उसके बाद डिगबोई, डिगबोई हम लिखा दिए हैं, एक बार और लिख लीजिएगा, डिगबोई हो गया, डिगबोई के बाद बोगाई गांव हो गया, बोगाई गांव, ठीक ना, बोगाई गांव। यहां पर क्या है, यहां पर भी तेल, प्राकृतिक तेल की प्राप्ति होती है, गोवाहाटी हो गया, यहां पर भी प्राकृतिक तेल की हमें प्राप्ति होती है। डिगबोई, बोगाई गांव और गोवाहाटी में तीन तेल रिफाइनरी लगाई गई हैं, प्रत्येक में एक एक IOCL की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। एक तेल रिफाइनरी डिगबोई में है, एक बोगाई गांव में है, एक गोवाहाटी में। कुल कितनी तेल रिफाइनरी है, तो भारत में वर्तमान समय में 24 तेल रिफाइनरी है, एक एक समय में पढ़ाऊंगा, सार्वजनिक क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की, ठीक ना, सब कुछ बता दूंगा। नुमालीगढ़ में एक तेल रिफाइनरी है, एक तेल रिफाइनरी है नुमालीगढ़ में, जिसका नाम है नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी, सार्वजनिक क्षेत्र की है नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी, ठीक ना। ये बातें आपको याद रखनी, देखिएगा आप ईंधन पढ़ रहे हैं, खनिज पढ़ रहे हैं, खनिज, और खनिज में हम कोई भी उद्योग या कोई भी इस्पात संयंत्र कुछ भी होगा, उद्योग हम हमेशा कच्चे माल के पास लगाएंगे। यहीं से डिगबोई से हमने प्राकृतिक निकाला और यहीं पर हमने IOCL का संयंत्र लगा दिया, तेल रिफाइनरी लगा दी, उसमें हमने तेल को क्या कर लिया, तेल को रिफाइन कर लिया, ठीक ना। तो पहला था असम का, ठीक ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक ना, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्षेत्र पर हम आते हैं, तो पहला असम का हो गया, अब दूसरा गुजरात तेल क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्र को देखते हैं। देखिएगा, तो अगर हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात तेल क्षेत्र, ठीक ना, इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है यहां पर, एक खंभात की खाड़ी है। तो अगर हम गुजरात तेल क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो गुजरात कि तेल क्षेत्र में खंभात की खाड़ी से प्राप्ति होती है। कहां कहां से प्राप्ति होती है, तो प्राप्ति होती है यहां पर किससे, खंभात की खाड़ी, ठीक ना, खंभात की खाड़ी आपको याद रखना है। यहीं पर एक जगह है जिसका अंकलेश्वर नाम है, अंकलेश्वर से प्राप्ति होती है, ठीक ना, कहां से प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है अंकलेश्वर से। लूनोज एक जगह है गुजरात में, लूनोज के अलावा नौगांव, ठीक ना, मेहसाना, तो एक गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं जहां से क्या होती है, जहां से तेल की प्राप्ति होती है, ठीक ना, यहां तेल प्राप्ति स्थल है, गुजरात के तेल प्राप्ति स्थल है, ठीक ना। उसके बाद गुजरात के जामनगर में, गुजरात में जामनगर
गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा दो तेल रिफाइनरी का निर्माण किया गया, दो तेल रिफाइनरी, ठीक ना। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रिलायंस तेल रिफाइनरी कहां पर, गुजरात, और गुजरात में कहां, गुजरात के जामनगर में, और एक यहीं पर बादीनर, एक जगह है बादीनर, बादीनर में भी तेल रिफाइनरी का यहां पर निर्माण किया गया, बादीनर में एक तेल रिफाइनरी का निर्माण किया गया, एसआर ग्रुप की है, एसआर ग्रुप, ठीक ना, एसआर ग्रुप की है तेल रिफाइनरी, ये आपको याद रखना है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की वह कौन सी खाड़ी है जहां से सर्वाधिक मात्रा में, जहां से सर्वाधिक मात्रा में खनिज तेल की प्राप्ति होती है, तो किस खाड़ी से होती है, आपको याद रखना खंबात। और अगर आपको मैं और डिटेल में बताऊं तो खंबात की खाड़ी में क्या बता सकते हैं, भारत की कौन सी दो नदी अपना जल गिराती है, बिल्कुल खंबात की खाड़ी में भारत की दो महत्वपूर्ण नदी अपना जल गिराती है, एक का नाम नर्मदा नदी है और दूसरे का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम आपकी ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के द्वारा जल गिराने कारण ये नदी केवल अपना जल नहीं गिराती है बल्कि जल के साथ साथ जीव जंतुओं के अवशेषों को भी बहाकर लाती है और उन्हीं जीव जंतुओं के अवशेष से धीरे धीरे सड़ने गलने से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की क्या हो गई, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की यहां पर प्राप्ति हो गई, ठीक ना। चलिएगा, तो दूसरा हमारा ये हो गया गुजरात। अब आते हैं महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र या मुंबई तट, ठीक ना। तो महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र या मुंबई तट, महाराष्ट्र का अपतटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, ठीक ना। प्रारंभिक परीक्षा में एक दो प्रश्न यहां से मिल जाते हैं, इस बार कोयला से पूछा गया था, ठीक ना। चलिएगा, तो मुंबई से, मुंबई तट से या मुंबई शहर से, मुंबई शहर से लगभग 176 किलोमीटर की दूरी पर, कितना 176 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर एक स्थान खोजा गया जिसका नाम है मुंबई हाई, एक स्थान खोजा गया यहां पर जिसका नाम है मुंबई हाई, और मुंबई हाई का जो खोजा गया था इसको, इसको 1976 ईस्वी में खोजा गया था। तो आप कब खोजा गया था, 1976 ईस्वी में खोजा गया था, और जो मुंबई हाई है इसको जिस सम, जिस जलयान के द्वारा या जिस आयन समुद्रयान के द्वारा इसको खोजा गया था उसका नाम है सागर सम्राट, सागर सम्राट जलयान, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, सागर सम्राट जलयान के द्वारा मुंबई हाई की खोज की गई थी, सागर सम्राट जलयान के द्वारा मुंबई हाई की खोज की गई थी 1976 में, और 1976 में खोज करने के बाद यहां पर 1976 से ही यहां पर तेल का क्या होने लगा, 1976 से यहां से तेल का उत्खनन प्रारंभ हो गया, तेल का उत्खनन यहां से प्रारंभ हो गया। तो देखिएगा मुंबई तट, मुंबई तट से या मुंबई शहर से लगभग 176 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में, यहां पर कौन सा सागर है, अरब सागर में मुंबई हाई एक स्थान की खोज की गई जहां से 1976 में खोज की गई और 1976 से यहां से तेल का उत्खनन प्रारंभ हो गया। आपसे पूछा जाएगा मुंबई हाई की खोज करने वाले जलयान का नाम बताइएगा, तो सागर सम्राट, सागर सम्राट। मुंबई हाई से जो हमें तेल की प्राप्ति होती है, मुंबई हाई यहां लिख ले रहे हैं हम, मुंबई हाई से जो हमें तेल की प्राप्ति होती है, इस तेल में सल्फर एवं गंधक, इस तेल में सल्फर और सल्फर के साथ साथ क्या, सल्फर और सल्फर के साथ साथ गंधक की कमी पाई जाती है, या कह सकते हैं कि यहां से जो हमें तेल प्राप्त हो रहा है उसमें सल्फर और गंधक की मात्रा नहीं पाई जाती, सल्फर एवं गंधक नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन बन जाता है, नहीं पाया जाता, कि भारत में वह कौन सा क्षेत्र है जहां से मिलने वाले तेल में गंधक या सल्फर के अंश या उनके कण नहीं पाए जाते हैं, तो कहां से, मुंबई हाई या मुंबई तट से, मुंबई हाई या मुंबई तट से, ठीक ना। चलिएगा, अब देखिएगा, ये तो हमने महत्वपूर्ण आपको क्षेत्र बता दिए कि कहां पर कौन सा क्षेत्र है, कहां से हमें खनिज तेल की प्राप्ति होती है। अब आइएगा, कुछ तेल रिफाइनरी है, इन तेल रिफाइनरी को हम समझ लेते हैं। देखिएगा, ये हमारा इंस्टीट्यूट का नंबर है 9918000545, नीचे स्क्रॉलिंग में भी पट्टी चल रही है, यदि आप पीसीएस
पीसीएस के न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा की भी तैयारी बढ़िया अच्छे से एक्सपर्ट के साथ करना चाहते हैं तो इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कीजिएगा 9918000454। इस नंबर पर आपको पीसीएस एंट्री लेकर सेंड कर देना है, एडमिशन की पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी, ठीक ना। चलिएगा, अगर हम अब तेल रिफाइनरी की बात करते हैं तो देखिएगा वर्तमान समय में भारत में तेल रिफाइनरियों की संख्या पूछेगा तो 24 है। तेल रिफाइनरियों की संख्या पूछेगा वर्तमान में भारत में तो 24 है, पहले 23 हुआ करती थी। करंट का क्वेश्चन बन गया, एक किसका क्वेश्चन बन गया, तो एक क्वेश्चन बन गया आपका करंट अफेयर्स का, ठीक ना। इन 24 तेल रिफाइनरी में से 19 तेल रिफाइनरी जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की है, पब्लिक सेक्टर की है, 3 जो है वो प्राइवेट सेक्टर की है और 2 जो है वो संयुक्त क्षेत्र की है, ठीक ना, कॉमन है, यूनाइटेड है। तो 19 सार्वजनिक क्षेत्र, 3 निजी क्षेत्र और 2 संयुक्त क्षेत्र, तो 19 और 3 कितना है? तो 19 से 20 21 22 और 22 और 2 24, तो टोटल कितनी तेल रिफाइनरी है? 24। इन 24 तेल रिफाइनरी में से सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी है? सार्वजनिक क्षेत्र की 19 तेल रिफाइनरी है और इन 19 तेल रिफाइनरी को अन्य कंपनियों में विभाजित कर दिया गया। जैसे 9 तेल रिफाइनरी IOCL की है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास 9 तेल रिफाइनरी है, पहला क्वेश्चन सही बन जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे अधिक कंपनियां किसके पास हैं? तो 9 है इंडियन ऑयल के पास, ठीक ना। 3 जो है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पास है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के पास है। 2 जो है वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पास है BPCL, BPCL के बाद कितनी तेल रिफाइनरी है? 2, और 2 जो है वो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पास है CHPL के पास है, PCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 2 है तेल एवं प्राकृतिक गैस के पास, ONGC बोलते हैं, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के पास, और 1 किसके पास है? तो 1 नुमालीगढ़ के पास। अगर आप इनको जोड़ लीजिएगा तो 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5 और 2, 7, 7 और 3, 10, 10 और 9, 19, तो 19 तेल रिफाइनरी है हमारे किसके पास? सार्वजनिक क्षेत्र के पास, ठीक ना। 19 सार्वजनिक क्षेत्र की है और 1 किस किसके पास है? तो ये भी हो गया। सबसे अधिक IOCL के पास है कितनी? 9। कहां पर है इनको देखते हैं, ठीक ना। तो IOCL की कहां पर है, IOCL की कंपनी कहां पर है? तो गुवाहाटी, असम, बोंगाई। तो अगर हम बात करें कि ये कहां पर है, तो ये असम में हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। उसके बाद मथुरा उत्तर प्रदेश में है, तो ये बात तो आप शायद पहले भी जानते होंगे, और अगर मुझसे पढ़े होंगे तो मैंने ये बात पहले भी एनवायरमेंट में पढ़ाई है कि उत्तर प्रदेश में केवल 1 तेल रिफाइनरी है और ये तेल रिफाइनरी कहां पर है? मथुरा में है। अब मान लीजिए पूछेगा कि मथुरा में जो तेल रिफाइनरी, यूपी स्पेशल में पूछ सकता है आपसे कि मथुरा में जो तेल रिफाइनरी है वो किस कंपनी के अंतर्गत आती है? IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है। उसके बाद हल्दिया में है, हल्दिया कहां पर है? हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद कोयली में है, कोयली कहां पर है? गुजरात में है। उसके बाद बरौनी में, पारादीप में है। पानीपत कहां पर है? हरियाणा में है। पारादीप कहां पर है? पारादीप आपका उड़ीसा में है। अगर बरौनी की बात की जाए तो बरौनी कहां पर है? आपका MP में है, ठीक ना, MP में। तो ये IOCL की 9 कंपनियां। उसके बाद 3 HPCL के पास है, बाड़मेर, मुंबई, विशाखापट्टनम। बाड़मेर कहां पर है? राजस्थान। मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में। विशाखापट्टनम कहां पर है? तो विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। तो 3 HPCL की है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास। 2 BPCL के पास है, भारत पेट्रोलियम। 1 कोचीन में है, कोचीन कहां पर है? केरल में। और 1 मुंबई में है, मुंबई कहां पर है? तो मुंबई कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में होगी, ठीक ना। पढ़ेंगे 2 चेन्नई के पास है, मनाली और नागपट्टनम। देखिएगा मनाली वो अलग है, जिस मनाली को आप सोच रहे हैं कि कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश, ये मनाली अलग है, चेन्नई के अंतर्गत आती है, चेन्नई में है दोनों। चेन्नई कहां है? चेन्नई मतलब तमिलनाडु में, ठीक ना। 2 ONGC के पास है, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड के पास, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ठीक ना। मंगलूर कर्नाटक में और ताटीपका आंध्र प्रदेश में, और 1 नुमालीगढ़ में, असम में। तो ये 19 तेल रिफाइनरी लिखी है आपके पास, सार्वजनिक क्षेत्र की 19 तेल रिफाइनरी को हमने यहां पर व्यवस्थित क्रम से लिख दिया, ठीक ना। चलिएगा उसके बाद 3 तेल रिफाइनरी वो निजी क्षेत्र की हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें से 2 जामनगर में है, किस कंपनी की? रिलायंस की। और 1 बादीनर में है,
बादीनर भी गुजरात में है, जामनगर भी गुजरात में है, और बादीनर में जो है वो किस ग्रुप की है, किस कंपनी की है, एसआर ग्रुप की है। दो संयुक्त क्षेत्र की है, और संयुक्त क्षेत्र की एक भटिंडा यानी पंजाब में, एक बीना। बीना कहां पर है आपको पता लगाना, बीना कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश का है, आपको पता लगाना है। तो भटिंडा में जो है वो एचपीसीएल और आर्टिलर मित्तल ग्रुप की है, और बीना में जो है वहां पर, अब देखिएगा प्रश्न आएंगे, प्रश्नों के हिसाब से आपको आंसर देने होंगे, प्रश्न आएंगे, प्रश्न के हिसाब से आप क्या दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए देखिएगा, राजस्थान में जगह है, अगला देखते हैं, राजस्थान में बाड़मेर, अब यही बताए हम, राजस्थान में जगह है बाड़मेर, और इस बाड़मेर में ONGC के द्वारा, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा मंगलम भाग्यम एवं ऐश्वर्या, मंगलम भाग्यम एवं ऐश्वर्या, ये तीन तेल क्षेत्रों की खोज की गई, तेल क्षेत्र, इन तीन तेल क्षेत्र की क्या, तेल क्षेत्रों की क्या की गई है, इन तीन तेल क्षेत्रों की खोज की गई है, ठीक ना। एक का नाम मंगलम, एक का नाम भाग्यम, और एक का नाम ऐश्वर्या। जो मंगलम है, यहां से वर्ष 2009 से यहां से क्या हो रहा है, वाणिज्यिक रूप से किसकी प्राप्ति हो रही है, वाणिज्यिक रूप से तेल का उत्खनन प्रारंभ हो गया, तेल का उत्खनन क्या हो गया है यहां पर, वाणिज्यिक रूप से तेल का उत्खनन क्या हो गया है, तेल का उत्खनन प्रारंभ हो गया है, ये आपको याद रखना है, राजस्थान के बाड़मेर से, ठीक ना। चलिएगा उसके बाद, अगर हम आपसे पूछें, एक जैसे आप कृषि में पढ़ते हैं श्वेत क्रांति होती है, भूरी क्रांति होती है, वैसे ही कोयला या प्राकृतिक गैस, ये नंबर है हमारा, ठीक, नंबर के बारे में बता दिया था, एक क्रांति है और इस क्रांति का नाम है ब्लैक रेवोल्यूशन, कृष्ण क्रांति। कई बार आपसे पूछा जाता है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो जो कृष्ण क्रांति है, ब्लैक रेवोल्यूशन, कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम के उत्पादन से है, पेट्रोलियम, कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, किससे है, तो पेट्रोलियम उत्पादन से है, और ये पेट्रोलियम उत्पादन से है, और इसमें 10% तक एथेनॉल, 10% तक एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने के लिए की गई एक क्रांति, 10% एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाएगा उसके लिए की गई एक क्रांति, ठीक ना। तो ये आपका पेट्रोलियम हो गया, और आपको एक बात याद रखनी है कि जहां जहां पर पेट्रोलियम पाया जाएगा वहां वहां पर निश्चित रूप से क्या पाई जाएगी, वहां पर निश्चित रूप से प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, वहां पर निश्चित रूप से क्या पाई जाएगी, तो निश्चित रूप से प्राकृतिक गैस पाई जाएगी, ठीक ना। चलिएगा अगला देखते हैं, अगर हम बात करें कि कच्चा तेल भंडारक राज्य और उत्पादक राज्यों की, तो कच्चा तेल एक साइड हम लिखेंगे भंडारक राज्य, कौन से हैं, और एक साइड लिखेंगे हम कि इनका उत्पादन किन राज्यों से हो रहा है, उत्पादक राज्य कौन से हैं, भंडारक राज्य और कौन से उत्पादक राज्यों की बात करें, तो अगर हम भंडारक राज्यों की बात करें तो मुंबई हाई सबसे आगे है, मुंबई हाई, उसके बाद असम, उसके बाद गुजरात, मुंबई हाई, असम और उसके बाद गुजरात। अगर हम उत्पादक राज्य की बात करें तो मुंबई हाई पहले पर है, राजस्थान दूसरे पर है, मुंबई हाई पहले पर है, और मुंबई हाई से लगभग भारत का 60% पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है भारत को, लगभग कितने प्रतिशत पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है, 60%, ठीक ना, मुंबई हाई से। और दूसरे नंबर पर राजस्थान है, राजस्थान में हमने अभी बताया ऐश्वर्या, मंगलम और भाग्यम नए तेल क्षेत्रों की खोज की गई है, उसके बाद तीसरे नंबर पर गुजरात है, ठीक ना। उत्पादन में ये तीन आगे, उत्पादन में तीन राज्य आगे हैं, और भंडारण में ये तीन राज्य आगे, उत्पादन और भंडारण। चलेगा अब आइएगा प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में, क्योंकि 2019 के पहले जो मुख्य परीक्षा होती थी वो ऑब्जेक्टिव होती थी, अब रिटर्न हो गई है। अब परीक्षा कैसे होगी, अब रिटर्न हो गई है, तो कुछ मुख्य पर उन प्रश्नों को हम लोग एक एक से देखेंगे, ठीक ना। देखिएगा ए, प्रत्येक किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, पीसीएस की परीक्षा में, यहां पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है,
ईंधन खनिज की प्राप्ति किन चट्टानों से होती है। मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ आपको कि ईंधन खनिज की प्राप्ति किन चट्टानों से होती है। ऑप्शन आग्नेय चट्टान आपसे होती है, तो इनकी प्राप्ति जो है वो औषधि चट्टानों से होती है। किन चट्टानों से होती है? औषधि। और औषधि चट्टानों से क्यों होती है? क्योंकि औषधि चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? औषधि जीवाश्म में पाए जाते हैं, और जीवाश्म के कारण ही यहाँ से ईंधन खनिज की प्राप्ति हो जाती है। जीवाश्म के कारण यहाँ से ईंधन खनिज की क्या हो जाती है? ईंधन खनिज की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र कौन सा। मैंने ये भी पढ़ाया है, भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन अरावली, और अगर हम अरावली, थार का मरुस्थल, छोटा नागपुर, उत्तर का मैदान, तो उत्तर का मैदान खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक निर्धन क्षेत्र है। और अगर यहीं पर मैं पूछता भारत में खनिजों की दृष्टि से सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा, धनी क्षेत्र, तो धनी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? होती है। और अगर बात करते हैं अरावली पर्वतीय क्षेत्र, तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और जहां पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं वहां पर निश्चित रूप से क्या होता है? भवन निर्माण सामग्री, अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर, बालू का पत्थर, जिप्सम, सैलखड़ी की प्राप्ति होती है। तो अगर इसका भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर का मैदानी क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र है। ठीक ना। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर तीन पर आते हैं, और प्रश्न नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर रहा है, और क्या कह रहा है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक संबद्ध है। मैंने अभी बता दिया इसका कौन सा, छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों की दृष्टि से कौन सा पठार या कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है, तो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। चलिएगा प्रश्न नंबर चार पर आते हैं। प्रश्न नंबर चार कह रहा है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या उड़ीसा में। तो हमने आपको बताया था कि भारत में सर्वाधिक कोयला जो है वो जिस राज्य से प्राप्त होता है उस राज्य का नाम झारखंड है, और झारखंड राज्य में एक नदी बह दामोदर नदी है, और दामोदर नदी की तुलना जर्मनी में बहने वाली रूर नदी से कर दी जाती है, और दामोदर को भारत की रूर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पाए जाते हैं? झारखंड में पाए जाते हैं। इन चारों राज्यों में कहां पर पाए जाते हैं? तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक कोयला के भंडार है। चलिए प्रश्न नंबर, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक साइड कोयला उत्पादक क्षेत्र लिखे हैं, एक साइड कोयला की खदानों के नाम लिखे हैं। कह रहा दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, महानदी घाटी। अब कह रहा कौन सा राज्य, तो देखिएगा महानदी तो तलचर से हो जाएगी, तलचर महानदी उड़ीसा, उड़ीसा में तलचर है, और सोन घाटी, गोदावरी घाटी इनकी बात करें तो अगर दामोदर नदी घाटी की बात करते हैं तो दामोदर नदी घाटी का संबंध किससे है? बराकर से है, और गोदावरी नदी घाटी का संबंध सिंगरैनी से, अगर सिंगरौली होता तब दामोदर हो जाता, और सोन नदी बच्चा तो सोन नदी का किससे है? उमरिया से। पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन दिए होते तो और जल्दी से कर लेते आप। ठीक ना। चलिएगा प्रश्न नंबर पांच के बाद प्रश्न नंबर छह पर आते हैं। देखिएगा अभी इसके बारे में बताया था हमने, मुंबई हाई के बारे में पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1965 में, सबसे पहला तेल का कुआं वर्ष 1976 में यहां पर खोदा गया। इसमें रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। तो अगर पहले वाले पर बात करें तो ये तो गलत हो गई। 1976 में, सॉरी, जो इसकी समुद्र तल से दूरी है या मुंबई शहर से जो इसकी दूरी है वो दूरी कितनी है? वो 176 किलोमीटर है, 176 किलोमीटर है। कह रहा इसकी खोज 1965 में हुई थी, ये भी इसमें गलत लिखा हुआ है। इसकी खोज मैंने आपको बताया कि इसकी खोज 1976 में हुई थी। ठीक ना। 1976 में पहला तेल का कुआं 1976 में खोजा गया था, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें इसे रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो अगर कथन दिए होते तो ए और बी गलत हो जाता, और बी और सी क्या हो जाता? बी और सी का सही हो जाएगा। इसकी खोज 1976 में हुई थी, ये बात आपको याद रखनी। चलिएगा पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन ए भी है। देखिएगा मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि एक साइड तेल शोधनशाला दी गई है, एक साइड राज्य दिया गया है। नूनामती कहाँ है, कोए कहाँ है, मंगलौर कहाँ है, पानीपत। तो पानीपत कहाँ है? पानीपत बाबू आपका हरियाणा में है। मंगलौर कहाँ है? तो मंगलौर आपका कर्नाटक में है। कोयली कहाँ है? तो कोयली आपका गुजरात में है। तो नूनामती बच्चा, नूनामती का क्षेत्र आपका कहाँ है?
असम है, इस प्रकार क्वेश्चन हो जाएंगे। पीसीएस की परीक्षा में पीछे गए सारे के सारे प्रश्न ही चलेगा। प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। कह रहा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, जिसको हम एचबीजी गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण की, देखिएगा भारत में जो भी अभी पाइपलाइन हम पढ़ाएंगे आपको, गैस पाइपलाइन पढ़ाएंगे, तो पाइपलाइनों का जो विकास है वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक ना, गेल जिसको हम बोलते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। अभी हाल में पढ़ाया नहीं, अभी आएगा आगे क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की स्क्रीन पर, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, अभी बताया था झारखंड राज्य। अब देखिएगा उसने झारखंड नहीं दिया, झारखंड के बाद दूसरा राज्य कौन सा है, उड़ीसा, जहां से सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर आपका उड़ीसा का हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 लिखा है, निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2014-15 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक ना। अब देखिएगा ये 2014-15 यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि वर्ष 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। तो अगर हम वर्तमान समय की बात करें कि वर्ष 2018 और 2019 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उत्पादन सबसे ज्यादा वर्तमान में उत्पादन जो है वो मुंबई हाई से हो रहा है। अब मुंबई हाई तो ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे नंबर पर मैंने बताया था राजस्थान, और राजस्थान में बाड़मेर में, राजस्थान के बाड़मेर में भाग्यम मंगलम और ऐश्वर्या नाम के तीन क्या लगाई गई है, तेल रिफाइनरी लगाई गई है। तो इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। सबसे सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें सबसे सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक ना। तो ये आज का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। चलिएगा एक बार मैं आपको और बता देता हूं, यदि आप पीसीएस की परीक्षा में ना केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में पास होकर एक प्रशासनिक पद लेना चाहते तो ये हमारा नंबर है 9918000454। इस नंबर पर पीसीएस एंट्री कर हमसे जुड़ जाइएगा। अच्छे टीचरों के साथ, अनुभवी टीचरों के साथ, मेहनती टीचरों के साथ निश्चित रूप से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाइएगा, ठीक ना। थैंक यू, अगले मिलते हैं।